नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देख न्यूज, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक मुस्लिम छात्रा ने 5 मेडल जीते हैं। अब जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि उसने एमए संस्कृत में बेस्ट छात्रा का भी अवार्ड जीता है। गजाला नाम की यह छात्रा लखनऊ यूनिवर्सिटी में 5 मेडल जीतकर और एमए संस्कृत की बेस्ट स्टूडेंट बनकर उभरी है। गजाला का नाम नवम्बर के महीने में अनाउंस हो गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से मेडल कुछ ही बच्चों को दिया गया था। अब गुरुवार को यूनिवर्सिटी की डीन प्रोफेसर शशि शुक्ला ने उन्हें मेडल दिया। आपको बता दें कि गजाला एक रोजाना दिहाड़ी मजदूर की बेटी है। गजाला के पिता का निधन जब हुआ, जब वह 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। आपको बता दें कि गजाला को 5-5 लैंग्वेज आती हैं, यानी 5 भाषाओं में उनकी अच्छी पकड़ है, जिनमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरेबिक और संस्कृत है। गजाला ने अवार्ड जीतने के बाद, मेडल जीतने के बाद कहा कि यह अवार्ड मेरा नहीं है, मेरे पूरे परिवार का है, मेरे भाइयों का है। मेरा भाई शदाब और नयाब, जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और गैरेज पर काम करने लगे। शदाब ने 13 साल की उम्र में और नयाब ने 10 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी और मुझे पढ़ाई करवाई। मेरी बड़ी बहन यास्मीन ने बर्तन की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। मेरी माँ नसरीन बानो घर पर रहती हैं, घर संभालती हैं। हम एक कमरे के छोटे से घर में रहते हैं। 5 बजे सुबह उठकर नमाज पढ़ना और इसके बाद संस्कृत की पढ़ाई करना मेरी दिनचर्या है। गजाला ने बताया कि वह संस्कृत की प्रोफेसर बनना चाहती हैं। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के कल्चरल प्रोग्राम यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गजाला संस्कृत के श्लोक, गायत्री मंत्र, सरस्वती वंदना आदि गाती भी हैं। साथ ही वह कहती हैं कि भगवान तक सबसे पहले पहुंचने वाली भाषा संस्कृत है, वह संस्कृत माँ के समान है। तो ऐसे में मुझे प्राइमरी स्कूल से ही संस्कृत में इंटरेस्ट था और जब मैंने लोगों को बताया कि मैं संस्कृत भाषा में पढ़ाई करना चाहती हूँ, तब लोग चौंक गए कि एक मुस्लिम छात्रा होकर के कैसे संस्कृत में पढ़ाई कर सकती है। लेकिन मेरे परिवार ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और उन्हीं के प्यार और आशीर्वाद की वजह से आज मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की सबसे बेस्ट छात्रा बनी हूँ। गजाला को हम भी बधाई देना चाहेंगे। जब एक और पूरे देश के अंदर कर्नाटक में छिड़े हिजाब विवाद को लेकर 2 गुटों में लोग बढ़ चुके हैं, ऐसे में गजाला ने एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। आप क्या सोचते हैं सबके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।